खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। कमलेश तिवारी हत्याकांड में पहली गिरफ्तारी हो गई है और बिजनौर से एक मौलाना को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन इस हत्याकांड में जो सबसे बड़ा सबूत है वो है सीसीटीवी वीडियो, उसकी फुटेज जिसमें ये संदिग्ध हत्यारे नजर आ रहे हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जो तीन संदिग्ध नजर आ रहे हैं, इनमें से एक महिला भी नजर आ रही है। एक व्यक्ति के हाथ में पॉलिथिन नजर आ रहा है जिसमें मिठाई का डब्बा हो सकता है, और इसी डब्बे के बारे में शक पैदा हुआ था कि इसमें मिठाई नहीं थी, इसमें वो हथियार थे जिनका इस्तेमाल हत्याकांड को अंजाम देने में किया गया। लेकिन सवाल ये कि इसमें ये महिला क्या कर रही है? ये जो तीन संदिग्ध नजर आ रहे हैं, दो पुरुष और ये महिला, इस महिला का आखिर क्या कनेक्शन हो सकता है? जी बिल्कुल, बहुत अहम सवाल है अमांद्रा, आखिर इस महिला का क्या कनेक्शन है और कौन है ये महिला? हालांकि जो जानकारी मिल रही थी कि दो लोगों को पुलिस ने पहचान लिया, लेकिन ये महिला आखिर कौन है? और दूसरा सबसे अहम सुराग है वो मिठाई का डिब्बा जो घटनास्थल से कमलेश तिवारी के शव के पास से बरामद हुआ। सूरत की एक मिठाई की दुकान का वो मिठाई का डिब्बा था और पुलिस यही शक कर रही है कि उसी मिठाई के डिब्बे में हथियार रखकर अंदर ले जाए गए। रणवीर जुड़े हुए हमारे साथ, हमारे संवाददाता, इस वक्त सीधा उनके पास चलेंगे। रणवीर, एक मौलाना की गिरफ्तारी बिजनौर से हो गई है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में जो तीन लोग नजर आ रहे हैं उनके बारे में कुछ जानकारी मिल पाई है? और सबसे अहम सवाल, वो महिला कौन है? जी, यही सवाल अभी भी बना हुआ है। पुलिस इस बात की तफ्तीश कर रही है कि आखिर जो तीन लोग हैं उसमें एक महिला कौन है, और जो दो हमलावर हैं वो हमलावर कौन है? भगवा कपड़े में आए थे। मेरे साथ ऋषि हैं जो कमलेश तिवारी के बेटे हैं और कल ये उसी घर में मौजूद थे जहां पर हत्या हुई। ऋषि, ये बताइए कल क्या हुआ? कल 12:30 के बीच में, 12 बजे के बीच में, 11:30 बजे के बीच में दो लोग मिलने आए। अच्छा, कोई महिला आई थी क्या? पहला महिला नहीं आई थी, नहीं, सिर्फ दो ही लोग आए, दो लोग आए थे आदमी। पापा ने ऊपर बैठा ला उनको। पापा ने कहा बेटा दही बड़े ले आओ इन लोगों के लिए। दही बड़े लाके खिलाए, पानी पिलाया, फिर मैं नीचे चला गया रोहित के साथ में, जो रोहित ड्राइवर है, पापा का ड्राइवर, मैं और वो नीचे बैठे हुए थे। और सौराज जी सिंह जो वहाँ से कुशीनगर से आया हुआ था वो मसाला लेने गया। अच्छा, जो आए थे उन्होंने कोई नाम बताया? नाम मैं नहीं सुन पाया, नहीं। और अच्छा, सिक्योरिटी गार्ड था कि नहीं? सिक्योरिटी गार्ड था, वो सो रहा था। जो मेन गवाह है उसको पुलिस ने हिरासत में ले रखा। अच्छा, उसके बाद जब ये लोग फायरिंग किए उस वक्त कमरे में कौन था? उस वक्त मेरी मम्मी थी, वो पीछे थी, लेटी हुई थी। हाँ, उनको आवाज नहीं आई थी। अच्छा, गोली चली आवाज नहीं आई, वो सो रही थी। अच्छा, उसके बाद फिर ये लोग आए थे पैदल? हाँ, पैदल ही आए थे ये लोग। वापस कैसे गए? वापस इतना देख नहीं पाए हम लोग सीधे पापा के पास गए, देखा कि वो पड़े हुए हैं, मेज वेज उल्टी उल्टी पड़ी हुई थी, खून उनसे लथपथ थे, तो बस। तो देखिए, बेटे हैं, भतीजे भी हैं, आप क्या कह रहे हैं? एक ये साजिश के तहत हुआ है और ये शासन की बहुत बड़ी लापरवाही। अच्छा, ये बताइए, कल आप लोगों ने कहा कि अनवारुल हक और नईम काजमी ये लोग धमकी देते थे, ये लोग दोषी हैं, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि ये दूसरा जो मामला प्रॉपर्टी का, शिव कुमार गुप्ता का, ये दोनों मामले क्या है? नहीं, अलग हैं। इसका इससे जो है, इस हत्या से प्रॉपर्टी का कोई लेना देना नहीं।